चाचा लाठी को तो तेल पिला दिया, कुछ अपना भी तो सोचो। अरे चल मेरे घोड़े टिक टिक टिक, चल मेरे घोड़े टिक टिक टिक। पता नहीं माँ रात से मेरे गले में खिचखिच सी हो रही है। दादी मेरे गले रात दोनों में खिचखिच हो रही है। तुम चाचा भतीजे दोनों बहुत शरारती हो। लो मुंह खोलो। क्या है रे सूरज? कुछ नहीं भैया, वो भैया मुझे कुछ। क्या कुछ? बाबा चाचा को कुछ पैसे चाहिए, दे दो ना। चाचा के वकील तेरा चाचा गूंगा है क्या? क्यों चाहिए पैसे? भैया मुझे मंडी से नई लाठियां खरीदनी है। चुप, कोई लाठी बाटी नहीं, किसी दिन अपना सर फुड़वाएगा किसी से। ऐसे भी क्या है जी, क्यों थोड़े से पैसों के लिए मेरे देवर जी का दिल दुखाते हो? ये लो। क्यों देवर जी का दिल? भाभी जिंदाबाद। तुमने इसे बिगाड़ रखा है प्रभा। और तुमने मुझे। जय हो माँ अम्बा की। आओ भीकू बैठो। गीता अपने बापू को ताजा मट्ठा पिला। अरे नहीं माँ नहीं, आज तुम्हारे पेट वैसे ही खुशी से भरा है। गीता के ससुराल वाले काल इसका शगुन मांगने आ रहे हैं। अच्छा हाँ। तो अपनी गीता जल्द ही पराई हो जाएगी। नहीं माँ नहीं, हम तो कछोड़ कहीं नहीं जाएंगे। पगली कहीं की, बेटी तो होती ही है पराया धन, एक ना एक दिन तो जाना ही पड़ता है। देखो भगवान ने मुझे बेटे तो दिए, पर मेरी बड़ी इच्छा थी कि मेरी अपनी एक बेटी होती, सो गीता मुझे मिल गई। तुझे बुरा ना लगे तो गीता का कन्यादान मुझे करने दे। माँ तुमने हम लोगों के खातिर इतना किया है, इतना किया है कि 7 जन्म तक हम तुम्हारी कर्जा नहीं चुका सके। तोरे हाथ से अगर एक कन्यादान हो जाई तो हमार और ये गरीब के बेटी का लोक परलोक सुधर जाए। नहीं रे, लोक परलोक तो मेरा सुधरेगा। यौवा के आरी आरी मारे पिचकारी, गौना ले जा राजा जी, गौना ले जा राजा जी, मोरी चढ़ ली जवानी, गौना ले जा राजा जी। ओ गेहुआ के आरी आरी मारे पिचकारी, गौना ले जा रा। कौन है भाई? गेहुआ के आरी आरी मारे पिचकारी, गौना ले। अरे ओ लंगूर की औलाद, सामने से मारना, पीछे से क्यों वार कर रही है? जाजा पैसे के भाई। क्या बोली तू? क्या बोली? लंगूर की बहन। अरे ओ लकड़ी पहलवान, बेर भी नहीं झेले जाते। अब मार के दिखा निशाने बाजनी। मार मार के छलनी कर दूंगी मर्दुए। राम कसम एक भी पैर नहीं लगने दूंगा अपने बदन पर। और अगर लग गया तो? लाठी चलाना छोड़ दूंगा तेरी कसम। और एक बात मेरी भी सुन ले, अगर तू बेर ना मार सकी तो जो मैं चाहूंगा वो तू मुझे करने देगी। मंजूर? मंजूर। तो फिर चल उतर मैदान में।
मार मार। ये ले। चल चल। ये ले। क्यों बेल खत्म? मुखोल मुखोल आधा बेर तुम खाओगे और आधा बेर हम खाएंगे। अरे ठाकुर साहब आगे। नमस्कार। गांव वासियों, हर साल की तरह इस साल भी गांव अनंतपुर और बाकी के 10 गांव के पंचों ने सर्वसम्मति से आदरणीय ठाकुर जसवीर सिंह जी को ही अपना सरपंच चुना है। ठाकुर जसवीर सिंह की जय। 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 अरे बैठ जाओ बैठ जाओ। कैसे मैं तो पहले बोलना था कि ठाकुर सरकार मेरी ऐसी बेइज्जती क्यों की जा रही है मालिक? मेरा क्या कसूर है? तूने हमारे साथ गद्दारी की है। गद्दारी? आपके साथ और मैंने? हाँ तूने। हमने रघुनाथ की जमीन अपने कब्जे में ले ली थी क्योंकि हमें उस जमीन पर अपने जानवरों के लिए तालाब बनवाना था और तूने भरी पंचायत में हमारे खिलाफ गवाही दी। लेकिन सरकार सच में है तो वो जमीन रघु की ही। सच सच सच। अरे अरान, इस गांव में सच वो है जो हम कहते हैं। लेकिन पंचायत में झूठ बोलकर मैं अपनी आत्मा की हत्या कैसे करता? भरी पंचायत में इस पगड़ी की बेइज्जती कैसे कराता मालिक? तेरी पगड़ी की इज्जत तो हम करते हैं। उतार दो इसके पगड़े। नहीं नहीं मालिक, मुझे जहर से मार दो, मुझे जिंदा करवा दो, मगर मेरी बेइज्जती मत करवा मालिक। सुनो गांव वालों सुनो, लगातार तीसरे साल हमारे गांव अनंतपुर के सूरज ने रामपुर के मशहूर लठैत राममूर्ति को लाठी के दंगल में हाकर पहला इनाम जीता है। खरजूस्ताद की जय। खरजूस्ताद की जय। खरजूस्ताद की जय। बदरा के बिजुरिया कैसे चमके, बदरा बदरा के बिजुरिया कैसे चमके, बड़े चमके कोई पूछे। छगो उस्ताद छगो, जी भर के छगो, अल्लाह की कसम आज जी खुश कर दिया तुमने। अरे राम मूर्ति की चतुराई को पानी पिला दिया गुरु ने। अरे माँ अम्बा का बेटा है, साक्षात दुर्गा का शेर है मेरा सरजू। अरे क्यों नहीं, क्यों नहीं इसी बात पर एक और हो जाए। एक बात पल्ले नहीं पड़ी गुरु कि लाजो परछाई की तरह तो पीछे पड़ी रहती है तुम्हारे, लेकिन आज दंगल में वाहवा कर रही थी राम मूर्ति की। अरे वो क्या है हरिया, उसका बाप जो है वो जमींदार का हुक्का है, तो सुसरी बेटी चिलमची होगी कि नहीं? होगी। तू यहाँ क्या करने आई है? जा रामपुर गांव जा
और राम मूर्ति के घाव पर हल्दी गुड़ लगा जाकर? उसके घाव पर गुड़ लगाए मेरा ठेंगा, मैं तो तुझे गुड़ खिलाने आई हूँ। अरे जा दोगली, दंगल में तो उछल उछल के शायद दे रही थी उस राम मूर्ति को, दे रही थी कि नहीं? हाँ, वो तो मैं तुझे जलाने के लिए कर रही थी ताकि तू और जोर लगाए और दंगल जीत जाए। अरे यारो, ओ यारो, इन्हें मेरी जीत की कामना थी। हाँ थी। थी तो ये साबित करने के लिए तुम्हें इम्तिहान देना पड़ेगा। इम्तिहान? ये भांग का प्याला पीना होगा। भांग? हाँ। अरे गर्मा गर्म खाना मुझे भी दे दे माँ, भूख के मारे जान निकली जा रही है। हर चीज में उतावली करता है। हाथ धोए तूने? चलो हाथ पांव धो के आ, खाना खाने बैठ गया ऐसे ही। खाने के बाद हाथ धोलूंगा ना माँ। मेरे चौके में बिना हाथ पांव धोए रोटी नहीं मिलती। चलो धोले सूरज, वरना खाने से हाथ धोने पड़ेंगे। दुहाई है, अरे दुहाई है माँ, दुहाई है, दुहाई है माँ, माँ माँ मेरी रक्षा करो। क्या हुआ मुनीम जी? अरे ये पूछो क्या नहीं हुआ, तुम्हारे इस कपूत ने तो मेरा जीना दुभर कर दिया है। आज तक गांव में हड़दम मचाता था, मैं तुम्हारे लिहाज के मारे तम भर जाता था, लेकिन आज पानी सर लांग गया। पर ऐसा क्या किया सूरज ने? अरे तुम्हारे इस कालिया नाग ने आज मेरी लाजो को ढक लिया। देखी देखी इसकी हालत देखी, अरे बिल्कुल चुड़ैल लग रही है, चुड़ैल। अरे चुप कर, तन मन की सुध नहीं है इसे, और इसकी ये दशा इस दुष्ट ने अपने लौंडे लपाड़ों के साथ भंग पिलाकर की है। अरे माँ अब तुम ही बताओ कौन ब्याह करेगा इसके साथ। अरे अपने छोरे को समझाओ वरना मैं गांव छोड़कर चला जाऊंगा। माँ माफी दे दे, फिर ऐसा नहीं होगा। माफी मांग नीलकंठ से और चुपचाप वहां कान पकड़ कर रुक रुक बैठ जा। सूरज सुना नहीं मैंने क्या कहा? कुकरू कुकू। अरे चुप कर। अब आ गया दो माँ, ताकि मैं भी इस बावली को घर ले जाऊं और उस पर ठंडा पानी डालूं। खैर नीलकंठ मुंह मीठा करके जाओ। बस माँ तुमने पॉपी को सजा दे दी, मेरा मुंह मीठा हो गया। खीर जीती रहो बेटी, धीरे बेटा धीरे धीरे। क्या खीर बनी है। अच्छा केसर भी डला है।